हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डियर बायो चैनल आज हम इस वीडियो में बीएस केमिस्ट्री उसका जोलॉजी सेकंड सेमेस्टर और उसके नोट्स डिस्कस करेंगे क्लास इकोनोइजिया है और इसके नोट्स हैं क्लास इकोनोइजिया के जो मेंबर्स हैं इनके बहुत ज़्यादा लार्ज पाइंट्स होते हैं इनका इन मीन कहते हैं इस को द मेम्बर ऑफ दिस क्लास हैव मैनी लार्ज पाइंट्स एग्जाम्पल इनकी हैं द सी अर्चिन सैंड डॉलर्स एंड हार्ट अर्चिन मेक अप क्लास दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेरा मराइन एन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जो सी अर्चिन् लाइव ऑन हार्ड सबस्ट्रेट्स एंड सैंड डॉलर्स एंड हार्ड अर्चिस लाइव इन सैंड और मर्ड जो सैंड डॉलर्ज इनके नाम से ही साहिद है ये सैंड और मर्ड में पाए जाते हैं जबकि जो हार्ट सी अर्चिस होते हैं वो हार्ड सबस्ट्रेट्स में होते हैं नेक्स्ट इनकी बॉडी फॉर्म है सी अर्चिन्र राउंडेड एंड दे आर ओरल एंड इज ऑरिएटेड टू वर्ड सबस्टेट ओरल यानी माउथ जो इनका होता है वो सबस्ट्रेट की तरफ होता है और राउंडेड होते हैं इनका स्केलेटन कैसा होता है द स्केलेटन कॉल्ड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टेन कर्वड प्लेट्स टेन कर्व्ड प्लेट्स जो होती हैं वो मिलकर इनका स्केलेटन बनाती हैं उनमें से टेन में से जो फाइव प्लेट्स होती हैं द फाइव प्लेट्स आर कॉल्ड एम्ब्रोकल प्लेट्स हैव ओपनिंग फॉर ट्यूब फीट एंड अदर फाइव्स आर इंटर एम्ब्रोकल प्लेट्स दे हैव ट्यूब्रेकल्स फोर्स पॉइंट्स नेक्स्ट हैडिंग डालेंगे आप पेडिसलैरी की पेडिसलैरी पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीजर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड पेडिसलैरी ऑफ्टन कंटेन टू और थ्री जॉज इन में जॉस प्रेजेंट होते हैं दे क्लीन द बॉडी सर्फेस ऑफ ऑफ इकाइनोडर्म्स दे कैप्चर पलेंकटोनिक लार्वा विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फूड पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कैप्चर करते हैं पलंगटोनिक लार्वा को एंड फूड के लिए इन सम अर्चेंस कुछ अर्चीस में से पैरी से लैरी कंटेन विनोम सैक डेट इंजेक्ट प्रीडेटर सच एस सी स्टार इनके पास एक विनोम सैक होता है जो इंजेक्ट होता है इंटोप्रीडेटर सच एस सी स्टार सी स्टार के जैसे नेक्स्ट इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है और ये डायग्राम है ये डायग्राम जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पाइनस होते हैं देखें और इन जो होता है जो फर्स्ट पे होती है वो एनस होती है और जैसे हमने देखा जो उनकी ओरल साइड होती है यानी माउथ वाली साइड होती है वो सबस्ट्रेट की तरफ होती है ये सबस्ट्रेट यानी नीचे होती है और एब ओरल सरफेस होती है उनमें एनस प्रेजेंट होती है ये इसका सारा जो है वो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम और इसमें स्पाइंस होते हैं और यहाँ एक प्लेट होती है प्रेजेंट ये ट्यूब है और इसके ऊपर प्लेट प्रेजेंट है उसको मेडिफ्राइड प्लेट कहते हैं ओके और ये एम्प्यूला और ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर है ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं माउथ के दोनों साइड्स पे नेक्स्ट इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखें वाटर वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रिंग कैनल ट्यूब फीट प्रोसेसिज एम एंड सक्शन कप्स ये जो है लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है वाटर वैस्कुलर सिस्टम बहुत डिटेल से एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम ओपन आउटसाइड थ्रो, थ्रो मैनी पोर्स डेट सर्ब्ज एज अ मेडोफोराइट अभी मैं आपको वाटर वैस्कुलर सिस्टम की डायग्राम भी दिखा देती हूँ नहीं तो आप वीडियो देख लें जाके ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की डायग्राम है मैंने आपको इसी वीडियो में दिखा दिया इनके ये देखें ये जो सेंटर में है ये रिंग केनाल है और इसमें से जो एक्सटेंडेड है ये रेडियल केनाल्स हैं इसमें एक लेटरल केनाल होती है और एक और ये केनाल होती है जिसको स्टोन केनाल कहते हैं और उसके ऊपर एक प्लेट होता है जिसको मेडोफ प्लेट कहते हैं सेम यही जो स्ट्रक्चर है यही वो इकानोड्रम्स में भी होता है और आगे देखें इसमें ये जो है ट्यूब फीड ट्यूब फीड का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें सक्शन पंप और एम्प्यूला होता है नेक्स्ट में हम देख रहे हैं इकैनोड्रम्स इकोनीडिया का फीडिंग Uh, क्या होता है फीडिंग प्रोसेस फीडिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है च्यूइंग ओपरेटस उससे पहले देखें द माउथ लीड्स टू फेरंगस एंड एसोफेगस एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन डैट लीड्स टू एनस ये सिंपल सा जो सब ऑर्गेनिजम्स में होता है ये आपने फीडिंग उसका लिख देना है और च्यूइंग ओपरेटस इसमें जो है ये मेन है ये जो इनके यानी तीथ होते हैं एक ओपरेटस होता है जिसको एरिस्टोटल लेटरन कहते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैन प्रोजेक्टेड द माउथ इफ इट इफ इट कंसिस्ट ऑफ थर्टी फाइव हॉसिकल्स इसमें थर्टी फाइव हॉसिकल्स होते हैं एंड अटैच्ड मसल्स होते हैं एंड कट फूड इन टू स्मॉल पीसिस फॉर इंजेशन इनका काम होता है फूड को कटिंग करना एंड लास्ट जो होता है वो रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन की एडिंग है इकोनिडियाज और ये डाईशस होते हैं गुनेड्स आर ऑन द इंटरनल बॉडी वॉल ऑफ द इंटर एम्ब्योरिकल प्लेट्स इंटर एम्ब्योरिकल प्लेट्स में इनके गुनेड्स होते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ब्रीडिंग सीजन में द फिल्सिल गोनो फोर गोनो फोर यानी फोर कहते हैं ओपनिंग गोनो मीन गुनेड्स के लिए एक ओपनिंग होती है इन ईच ऑफ फाइव फोसिकल्स कॉल्ड जेनिज प्लेट उस प्लेट होती है और वहां से ओपनिंग होती है डिवेलपमेंट की लार्वा equino, को हम प्ल्यूटस लार्वा डेट स्पेंड सेवरल मंथ्स इन द प्लैक्टॉन एंड चेंज इन टू एडल्ट उसके बाद वो किसमें चेंज हो जाता है एडल्ट में एक और हेडिंग है गैसियस एक्सचेंज की आप देख सकते हैं इन अकाइनो डेस एक्सचेंज अकर बाई डिफ्यूजन बस इतनी सी है थैंक यू स्टूडेंट्स